हरियाणा के बहादुरी का इतिहास। ज्यादा दूर मत जाओ, यहाँ की बेटी की बहादुरी का इतिहास देख लो। पिछले समय तो सरकार वालों किए गए उपराले सदका अपने किसान भरावां दे नाल मिल के वध तो वध नहरी खाल पुआए गए ने। वक् वक् रजवाहे सूयां नूं पक्का करन दे लई प्रोजेक्ट बनाए गए ते इस बार वध तो वध किसानां नूं नहरी पानी दिता जा रहा है। देखो नहरी पानी आ पिछों इहदा पहाड़ा दरियावां राहीं इह पानी हो के आउंदा है, तो जो आपां नूं खुराकी तत् आपां ने फसल नूं चाहीदे हन उहदे नाल इह भरपूर हुंदा है। अपने पहला खाला कच्चा जा रहा है, पटवारी साहब की मेहनत सदका अपने 10,000 फुट पाइपलाइन पई है, बहुत वधिया काम उहदा निबड़िया भाई, पानी आउण लग गया। साढ़े खेत पाइपलाइन पाई आ, तो पहला साढ़े खेत पानी नहीं सी पहुँच रहा, हुण सानू सौखा हो गया नहीं, अगर रात में सानू पानी दी दिक्कत बहुत आ रही थी, इस करके हुण साढ़े खेत च पानी पूरा वधिया आ रहा वा। सानू पंजाब सरकार दे हुक्मां मुताबक जो सानू काम मिले असी ओह दूर दूर टेलां तक पानी पहुँचाया। हरेक जिमीदार नू असी उत्साहित किया कि ओह अपने खेतों में वध तो वध भाईचारा खाल पाण, ते जिथे भी पाइपलाइन पै सकी उत्थे असी वध तो वध पाइपलाइन पाउण दी कोशिश कीती। जिहड़ियां कस्सियां च पानी आ गया 40-40 सालां बाद, अज्ज मैनूं 14 वीडियो आईयां मेरे कोल अज्ज, जिथे लोक इह कह रहे ने जी 35 साल बाद पानी आया साडे, असी पानी इस कस्सी च देखिया। संसद भवन का उद्घाटन जिस दिन हो रहा था, विनेश फोगाट को घसीटा गया, मारा गया, पीटा गया। हरियाणा के लोगों इस अपमान को भूलना मत, लेकिन साजिश की गई, छल पर पंच किया गया, उनको जानबूझकर स्वर्ण पदक जीतने नहीं दिया गया। हरियाणा के बहादुरी का इतिहास, ज्यादा दूर मत जाओ, यहां की बेटी की बहादुरी का इतिहास देख लो। विनेश फोगाट हरियाणा की वो बहादुर बेटी जो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ते हुए संसद भवन का उद्घाटन जिस दिन हो रहा था, विनेश फोगाट को घसीटा गया, मारा गया, पीटा गया। हरियाणा के लोगों इस अपमान को भूलना मत, अपने बेटी के अपमान का बदला ले लेना, इस बार चुनाव में बीजेपी को पराजित करने का काम करना। हाँ, विनेश फोगाट के साथ गहरी साजिश रची गई है, वरना स्वर्ण पदक लेकर वो हरियाणा में लौटती और आप लोग गर्व से कहते हरियाणा की बेटी स्वर्ण पदक लेके आई है, देश को गर्व है उसके ऊपर, लेकिन साजिश की गई, छल पर पंच किया गया, उनको जानबूझकर स्वर्ण पदक जीतने नहीं दिया गया। मैंने देखा आपके मुख्यमंत्री का बयान, नायब सिंह सैनी कह रहे हम विनेश फोगाट का सम्मान करेंगे। मैं इस सभा में एक प्रस्ताव देता हूं सुशील गुप्ता जी आपके सामने, पार्टी की राजनीति छोड़ दो, किनारे कर दो, न कांग्रेस देखो, न बीजेपी देखो, न आम आदमी पार्टी देखो, अगर हरियाणा की उस बहादुर बेटी का इज्जत और सम्मान करना चाहते हो तो निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में उसको राज्यसभा में सारी पार्टियां भेजे, वो खिलाड़ियों के हक की आवाज वहां उठाएगी। गलत तो नहीं कह रहा हूं, सब लोग समर्थन में हो हाथ उठा के बताओ, सारे लोग समर्थन में हो, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विनेश फोगाट को सारी पार्टियां, कांग्रेस बीजेपी सब मिलके उसको राज्यसभा में भेज दे, वो खिलाड़ियों के हक की आवाज देश की संसद में बुलंद करेगी और हम लोग विनेश फोगाट का हर मुद्दे पे साथ देंगे, ये आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। ऐसी नाइंसाफी, इतना अत्याचार, इतना जुल्म, तो इसलिए साथियों और दोस्तों याद रखना इन बातों को, चुनाव में कई बार आप लोग भूल जाते हो, आप भूल जाते हो कि आप अपने घर से निकले थे 3 काले कानून को वापस कराने के लिए। मैं उस समय संसद में था, सुशील गुप्ता जी हमारे साथ थे, वो किसानों के खिलाफ काला कानून लाया गया, मैंने आवाज लगाई ये कानून वापस ले लो,
सरकार ने हमारी आवाज नहीं सुनी, हम आगे बढ़े, आगे बढ़ते गए, टेबल पे खड़े होके मैंने माइक तोड़ दिया। मैंने कहा हम किसानों के खिलाफ कानून नहीं बनने देंगे। बीजेपी वालों ने कहा संजय सिंह ने मर्यादा तोड़ दी, मर्यादा तोड़ दी। मैंने कहा तुम किसानों की हड्डियां तोड़ोगे तो मैं माइक तोड़ूंगा, तुम्हारे यहां चुप बैठने के लिए नहीं आया हूं। यह संसद जोकराई करने के लिए नहीं बनी है, देश की संसद फर्जी भाषण देने के लिए नहीं बनी है, देश की संसद देश की जनता का हक छीनने के लिए नहीं बनी है, देश की संसद किसान और नौजवान के खिलाफ कानून बनाने के लिए नहीं बनी है। और अगर ऐसा काम देश की संसद में होगा तो उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी के सांसद अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर विरोध करेंगे, यह मैं आपको यकीन और भरोसा दिलाना चाहता हूं। और हमने किया, विरोध किया जब भी कुछ गलत होने को हुआ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब अपना वोट देने के लिए जाना तो अपने उन भाइयों का चेहरा याद करके जाना जिनके ऊपर लाठियां बरसाई गईं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। याद करके जाना 750 किसानों की शहादत को, याद करके जाना किसान सिंचाई के लिए पानी मांगने जाता है तो उसको लाठियां मिलती है, बिजली मांगने जाता है तो लाठियां मिलती है, खाद की बोरी मांगने जाता है तो लाठियां मिलती है, फसल का दाम मांगने जाता है तो लाठियां मिलती है। अरे अडानी को पूरा इंडिया नीलाम करते हो और किसान को लाठियां देते हो, ये व्यवस्था हमें मंजूर नहीं है। किसान को उसका हक देना होगा और आम आदमी पार्टी किसान के साथ पहले खड़ी थी, है और आगे भी रहेगी।